बाद में शहर में दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीज सामने आने का दौर जारी है। वहीं कोविड सैंपल सेंटर में प्रतिदिन बढ़ती भीड़ और नियमों की पालना नहीं होने की खबर डीसीएन लाइव द्वारा प्रमुखता से प्रसारित करने के बाद चिकित्सा विभाग चेता। अब चिकित्सालय प्रशासन द्वारा सैंपल लेने को लेकर 2 काउंटर बनाए गए हैं। सोमवार से 2 काउंटर लगने के बाद यहां सैंपल देने आए लोगों को राहत मिली तो यहां लगने वाले भीड़ में भी कुछ कमी आई। बाड़मेर के कोविड 19 सैंपलिंग सेंटर में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर डीसीएन लाइव द्वारा खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया गया था, जिसके बाद खबर का बड़ा असर हुआ है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बालिका छात्रावास में चल रहे कोविड 19 सैंपलिंग सेंटर में सैंपल लेने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनातगी करने के साथ साथ 2 टेबल पर सैंपल लेने की नवीन व्यवस्था की है। वहीं साथ ही यहां सोशल डिस्टेंस, मेडिकल एडवाइजरी और सरकारी नियमावली की पालना हो और भीड़भाड़ कम हो इसके लिए सुरक्षा जाब्ता भी तैनात किया गया है। चिकित्सा विभाग ने बहरहाल होमगार्ड का 1 जवान यहां तैनात किया है और आवश्यकता होने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी यहाँ तैनात कर सकता है। राजकीय अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बी एल मंसूरिया ने बताया कि बालिका छात्रावास में चल रहे कोविड 19 सैंपलिंग सेंटर से लोगों को काफ़ी परेशानियां और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद यहां सैंपल लेने के लिए अतिरिक्त कर्मी को लगाया गया है। वहीं सोमवार शाम जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि शहर के समस्त डिस्पेंसरीज में कोविड 19 के सैंपलिंग का काम शुरू होगा। कोविड ओपीडी में जो है हम हमेशा 2 टीमें रखते हैं। कभी कभार बीच में जैसे पॉजिटिव पेशेंट शहर में आ गए और वहाँ के परिवार के और संपर्क के सैंपल आने होते हैं तो फिर 1 टीम उधर भेजते और यहाँ पे 1 ही रहती है। बाकी जनरली हम वैसे भी 2 टीमें रखती है और कल भी 1 टीम होने के बावजूद भी 108 सैंपल हुए हैं। तो इतनी ओपीडी की कैपेसिटी इतनी है, 100 सैंपल से ज़्यादा ओपीडी में लाना बहुत मुश्किल है। भीड़ के लिए हमने जो है पुलिस की तरफ से हमें होमगार्ड भी उपलब्ध कराए हुए हैं और उनसे अगर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर हम और मांगेंगे या हमारी तरफ से कुछ जो है गार्ड लगाएंगे ताकि भीड़ नहीं हो और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वो सब मेंटेन रहे। यही अपील है कि कोविड ओपीडी में अगर सैंपलिंग देना आए तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन रखे, गंदगी वहाँ नहीं फैलाए, मास्क पहन के रखे। गौरतलब है कि डीसीएन लाइव द्वारा बालिका छात्रावास में चल रहे कोविड 19 सैंपलिंग सेंटर की बदहाली और अव्यवस्थाओं के आलम को लेकर खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने यहां व्यवस्थाओं में काफी परिवर्तन किया है और सैंपल देने आने वाले लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य रक्षा के लिए कई एहतियाती तौर पर बड़े कदम उठाए हैं।